धर्मवीर भारती जी की कालजयी रचना है कनु प्रिया। कनु अर्थात कृष्ण, कृष्ण की प्रिया राधा की अनुभूतियों की गाथा है। राधा कृष्ण के प्रेम, उनकी संवेदनाओं, उनकी अनुभूतियों को कागज कलम पर उतार पाना असंभव सा है, लेकिन धर्मवीर भारती जी ने कनुप्रिया के माध्यम से नारी मन की संवेदनाओं का सुंदर और सफल चित्रांकन किया है। ऐसा लगता है जैसे कवि ने नारी मन की एक एक परत खोल कर देखी है। राधा और कृष्ण की प्रणय गाथा शाश्वत है, इसका ना ही आरंभ है और ना ही अंत। राधा वास्तव में स्वयं में शक्ति है, उसकी शक्ति से ही कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है और उसकी शक्ति से ही कृष्ण की रासलीला हुई है, और इसी चीर मिलन और चीर विरह की आध्यात्मिक गाथा बन गई कनुप्रिया। कनुप्रिया के इस गीत के माध्यम से राधा कृष्ण को पूछते हुए कहती है, तुम मेरे कौन हो, तुम मेरे कौन हो कनु, मैं तो आज तक नहीं जान पाई। बार बार मुझसे मेरे मन ने आग्रह से, विस्मय से, तन्मयता से पूछा, यह कनु तेरा है कौन, बूझ तो। बार बार मुझसे मेरी सखियों ने व्यंग से, कटाक्ष से, कुटिल संकेत से पूछा, कनु तेरा कौन है री, बोलती क्यों नहीं। बार बार मुझसे मेरे गुरुजनों ने कठोरता से, अप्रसन्नता से, रोष से पूछा है, यह कान्हा आखिर तेरा है कौन। मैं तो आज तक कुछ नहीं बता पाई, तुम सचमुच मेरे कौन हो कनु। अक्सर जब तुमने माला गूथने के लिए कटेली झाड़ियों में चढ़ चढ़ कर मेरे लिए श्वेत रत्नारे करौंदे तोड़ कर मेरे आंचल में डाल दिए हैं, तो मैंने अत्यंत सहज प्रीति से गर्दन झटका कर मेड़ी झुलाते हुए कहा है, कनु ही मेरा एकमात्र अंतरंग सखा है। अक्सर जब तुमने दावाग्नि में सुलगती डालियों, टूटते वृक्षों, लहराती हुई लपटों और घुटते हुए धुएं के बीच निरुपाय, असहाय, बावली से भटकती हुई मुझे सहसा पूर्वक अपने दोनों हाथों में फूल की थाली से सहेज कर उठा लिया और लपटें चीर कर बाहर ले आए, तो मैंने आदर, आभार और प्रगाढ़ स्नेह से भरे भरे स्वर में कहा है, कान्हा मेरा रक्षक है, मेरा बंधु है, सहोदर है। अक्सर जब तुमने बंसी बजाकर मुझे बुलाया है और मैं मोहित मृगी से भागती चली आई हूँ, और तुमने मुझे अपनी बाहों में कस लिया है, तो मैंने डूब कर कहा है, कनु मेरा लक्ष्य है, मेरा आराध्य, मेरा गंतव्य। पर जब जब तुमने दुष्टता से अक्सर सखी के सामने मुझे बुरी तरह छेड़ा है, तब मैंने खींच कर आँखों में आंसू भर कर शपथें खा खा कर सखी से कहा है, कान्हा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, मैं कसम खा कर कहती हूँ, मेरा कोई नहीं है। पर दूसरे ही क्षण जब घनघोर बादल उमड़ आए हैं और बिजली कड़कने लगी है और घनी वर्षा होने लगी है और सारे वन पर धुंधला कर छिप गए हैं, तो मैंने आंचल में तुम्हें दुबका लिया है, तुम्हें सहारा दे देकर अपनी बाहों में घेर गांव की सीमा तक तुम्हें ले आई हूँ। और सच सच बताऊँ तुम्हें कनु सांवरे, कि उस समय मैं बिल्कुल भूल गई हूँ कि मैं कितनी छोटी हूँ, और तुम वही कान्हा हो जो वृंदावन को जल प्रलय से बचाने का सामर्थ्य रखते हो, और मुझे केवल यही लगा है कि तुम एक छोटे से शिशु हो, असहाय वर्षा में भीग भीग कर मेरे आंचल में दुबके हुए। और जब मैंने सखियों को बताया कि गांव की सीमा पर चितवन की छा हमें खड़े होकर ममता से मैंने अपने वक्ष में उस छौन का ठंडा माथा दुबका कर अपने आंचल से उसके घने घुंघराले बाल पोंछ दिए, तो मेरे उस सहज उद्गार पर सखियां क्यों कुटिलता से मुस्काने लगी, यह मैं आज तक नहीं समझ पाई। लेकिन जब तुम्ही ने बंधु तेज प्रदीप्त होकर इंद्र को ललकारा है, काली की खोज में बिसैली यमुना को मथ डाला है, तो मुझे अकस्मात लगा है कि मेरे अंग अंग से ज्योति फूट रही है, तुम्हारी शक्ति तो मैं ही हूँ, तुम्हारा संबल, तुम्हारी योग माया, इस निखिल परावार में मैं ही व्याप्त हूँ, विराट, सीमाहीन, अदम्य, दुर्दांत। किंतु दूसरे ही क्षण जब तुमने वेत्सलता कुंज में गहराती हुई गोधूली वेला में आम के एक बौर को चूर चूर गधीमे से एक चुटकी भर मेरे सीमांत पर बिखेर दिया, तो मैं हद भ्रम रह गई। मुझे लगा इस निखिल परावार में शक्ति सी, ज्योति सी, गति सी फैली हुई मैं अकस्मात सिमट आई हूँ।
ऐसा क्यों चाहा तुमने कान्हा? पर जब मुझे चेत हुआ तो मैंने पाया कि हाय सीमा कैसी, मैं तो वह हूँ जिसे दिग्वधु कहते हैं, कालवधु, समय और दिशाओं की सीमाहीन पगडंडियों पर अनंत काल से अनंत दिशाओं में तुम्हारे साथ साथ चलती आ रही हूँ, चलती चली जाऊंगी। इस यात्रा का आदि न तुम्हें स्मरण है न मुझे, और अंत तो इस यात्रा का है ही नहीं मेरे सहयात्री। पर तुम इतने निष्ठुर हो और इतने आतुर कि तुमने चाहा कि मैं इसी जन्म में, इसी थोड़ी सी अवधि में जन्म जन्मांतर की समस्त यात्राएं फिर से दोहरा लूं, और इसलिए संबंधों की इस घुमावदार पगडंडी पर छर छर तुम्हारे साथ मुझे कितने आकस्मिक मोड़ लेने पड़े हैं कि मैं बिल्कुल भूल गई हूँ कि मैं अब कहाँ हूँ और तुम मेरे कौन हो। इस निराधार भूमि पर चारों ओर से पूछे जाते हुए प्रश्नों की बौछार से घबरा कर मैंने बार बार तुम्हें बार बार शब्दों की फूल पास में झटकना चाहा है। सखी, राधिका, बांधवी, माँ, वधू, सहचरी, और मैं बार बार नए नए रूपों में उमड़ उमड़ कर तुम्हारे तट तक आई, और तुमने हर बार अथाह समुद्र की भांति मुझे धारण कर लिया, विलीन कर लिया, फिर भी अकुल बने रहे। मेरे सांवले समुद्र, तुम आखिर हो मेरे कौन? मैं इसे कभी माप क्यों नहीं पाती?